हिना खान ने इंडस्ट्री में एक बहुत लंबा सफर तय किया है। जहां हिना खान को टेलीविजन पर एक अच्छी बहू का किरदार निभाने के लिए अवार्ड्स दिए जाते थे, तो वहीं इस बार इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स में हिना खान को उनकी बॉलीवुड फिल्म के लिए अवार्ड मिला। लेकिन अपनी इस रिपोर्ट में हम हिना के प्रोफेशनल करियर की नहीं बल्कि एक्ट्रेस की निजी जिंदगी की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं हिना खान और रॉकी जायसवाल की। असल में एक बार एक इंटरव्यू में हिना खान का ट्रॉल होने पर दर्द झलका था। हिना खान ने इंटरव्यू में बयान देते हुए ये कहा था कि कभी कभी मैं जब गणेश चतुर्थी पर गणपति जी के साथ तस्वीर शेयर कर देती हूँ तो तुम नहीं जानते कि मेरे साथ क्या होता है। मैं बहुत बुरी तरह ट्रोल होती हूँ, मेरे लिए बहुत गंदी गंदी बातें लिखी जाती हैं क्योंकि मैं दूसरे धर्म से बिलोंग करती हूँ। हिना ने कहा कि कई बार तो मुझे कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ता था। मेरे डैड इंस्टा पर मुझे फॉलो करते थे, वो कमेंट्स पढ़ा करते थे। मुझे अपनी फैमिली को समझाना पड़ता था कि इन सब लोगों की बातों पर ध्यान ना दो। हिना ने कहा कि मुझे नहीं पता इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है, क्यों ये धर्म को बार बार बीच में लेकर आते हैं, मुझसे सवाल करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ये कहते हुए हिना खान की आंखें नम हो गईं। वेल वाकई ये तो होता ही है, और सिर्फ हिना खान ही नहीं, कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्हें धर्म के नाम पर ट्रॉल किया गया है, जिसमें उर्फी जावेद, अफसाना खान, दीपिका कक्कड़ इब्राहिम का नाम भी शामिल है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंत में हम इतना ही कहेंगे कि हिना, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि ये चंद लोग जो आपको ट्रॉल करते हैं, इनसे ज्यादा जरूरी आपके लिए उन फैंस का प्यार होना चाहिए जो आपको आपकी हर तस्वीर पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, दुआएं देते हैं। फाइनल कॉट, न्यूज डेस्क।